बीबीसी इंडिया देख रहे दर्शकों का स्वागत है। अज पिंड बुर जवाहर सिंह वाला जिथे 1 जून 2015 पावन स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप चोरी किए गए थे, उस गुरद्वारा साहब हर साल की तरह पाठ किया जाता है, अरदास बेनती की जाने हैं। उस अरदास बेनती अरदास बेनती शामिल होने उचेचे तौर पर बलजीत सिंह दादूवाल और सुखदेव सिंह ढींसा पहुंचे हैं। उन्हां वल्लों अरदास बेनती विच बैठ के अपनी हाजिरी लवाई गई। इस तरह गुरु जवाहर सिंह वाला पिंड के नाल लगते बरगाड़ी जिथे पावन स्वरूप के अंगा की बेअद भी की गई थी, उन्होंने गंदियां नालियां विच खिलारिया गया सी। उस गुरद्वारा साहब विच भी पाठ किए जाते हैं, हर साल की तरह उत्थे अरदास बेनती की जाती है। इस अरदास विच शामिल होने लई बलजीत सिंह दादूवाल और सिमरनजीत सिंह मानवी जो अकाली दल अमृतसर वालों उत्थे खास तौर पर पहुंचे तो उन्होंने वालों विशेष तौर पर लोगों संबोधन किया गया। कोटपुरा तो नवजीवन शर्मा, बीबीसी इंडिया न्यूज। असी सारे मोर्चा लावांगे 1 तरीक नूं, जे हुकूमत ने बादल सैनी सुखबीर ते बाकियां नूं बेअदबी दे मामले दे विच छेती तो छेती गिरफ्तार ना कीता। जिहड़ी SIT है उन्हां दे कोले 161 ते बयान सारे गवाहां दे हैगे है, दुबारा लैण दी लोड़ नहीं है। जे हुकूमत चाहूगी 4-5 दिन चलान अदालत विच पेश हो के इन्हां सारयां नूं गिरफ्तार कर सकती है। किस तरीके नाल वखरा होगा ये मोर्चे पहले नालों जी? दृढ़ता होगी। अगवाई कौन करूंगा जिस मोर्चे दी? कोई जथेदार साहिबान करनगे? पंथ करोगे? पंथ करूंगा। कोई शख्सियत उचेचे तौर पर हो सकती है जी? कोई शख्सियत नहीं, सारे तुसी भी शख्सियत हो, असीं सारे शख्सियत। कोई चर्चा कर लो, पर असी अपने वायदे ते रहांगे और अपने हक पूरे लेके पहला वांग मोर्चा चुक्के ते नहीं जावेगा। मंड साहब आउणगे दोबारे मोर्चे दे विच? सारे आउणगे जी, पंथ च सारे आ सकदे सारे। बरगाड़ी दे विच जिहड़ा बेअदबी कांड वापरिया बड़ा मंदभागा सी, संगतां दे हिरदे बलूंदरे गए। अज तक किसी सरकार ने उहदे ते मलम नहीं लाई, इस कारण करके जख्म अज भी रिसदे आ। साढ़े 6 साल बीतन के बावजूद बरगाड़ी की धरती से 6.5 महीने साफ मोर्चा चलिया, बहुत प्राप्तियां हुई, लखां संगत आईयां, पर उसका जिहड़ा डिसीजन सी खीर ते उहदे ते मतभेद पैदा होए, बेविश्वासी हुई, तो रोस आ सारिआं दे मनां च। उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने 2 मंत्री भेजे, MLA भेजे, झूठे वादे किए जिहड़े अज झूठे साबित होए। उस वेले भरोसा करके जिहड़ा सी कि शायद अमरिंदर सिंह जिहड़ा है वह इंसाफ देगा, तो साढ़े मोर्चा डिक्टेटर ने फैसला ले लिया। अज जदों सारे पास्यों ही जिहड़ी है निराशता नज़र आ रही है कि सिटां बदल दित्तियां, हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा सी रिपोर्ट रद्द कर दित्ती, IG कुंवर विजय प्रताप चेंज कर दिता, वह रोस वजों अस्तीफा दे गया, यह सारा कुछ वेखदे अज 6 साल लंघ गए। तो इस कारण करके हुण अज दुबारा एकत्रता इत्थे सिख जथेबंदियां दी होई है। इत्थे ऐलान किया गया सिख जथेबंदियों वालों 1 महीने का टाइम, 1 महीना तो हो गया सिटा बनिया, 1 महीने का होर टाइम दिता गया। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने दोषी सलाखा पिछे ना किए बरगाड़ी बहबल तो कोटकपूरा दे, 1 जुलाई में मुड़ बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा शुरू होगा। वो जगह कोई भी हो सकती है, किस जगह पर शुरू, समुचिया सिख जथेबंदियों वालों सांझे तौर पर यह मोर्चा, जिवें पहले मोर्चा डिक्टेटर एक होण करके सानू निराशता हुई, बाद हुण सारियां वालों रल मिल के सारियां जथेबंदियों वालों जिस तरह गुरु साहब का सिद्धांत है कि 5 प्यारे साहबान
कि पांच प्यारियां दी गवाही पांच सिंघां दी गवाही सो इस तरह जथेबंदियां पांच भी हो सकते वध भी हो सकते ग्यारह भी हो सकते हैं सो इस तरह रल मिल के सारिया जथेबंदियां वालों सांझे तौर पर मोर्चा लाया जाऊगा सारे गैर सिख भी वह समर्थन कर रहे हैं तो करनगे संगतां दा हुक्म कि यह जिहड़ा इंसाफ है पूरा का पूरा लैना तो साड़ी भी अपनी जिहड़ी तरजीह है कि पहलां बादलां ने इंसाफ नहीं दिता हुण कैप्टन ने नहीं दिता कोई बेगुनाह फड़िया ना जाए तो गुनाहगार बख्शिया ना जाए चाहे वह बादल होण सैनी होवे कोई होवे वह जेल दियां सलाखां पिछे जाना चाहिए चाहे सौदा साध होवे वह भी नामजद इस बेअदबी कांड चों दे चेले फड़े हुए रिमांड चल रहे आ जो असी केवल हुण सुके भरोसियां दे उत्ते जिहड़ा हैगा सुके झूठे वादियां ते इतवार नहीं करदे सानू रिजल्ट चाहिए।